श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में कल रात जमकर बवाल हुआ। गर्भगृह में दर्शन को लेकर ऐसा दंगल हुआ कि स्थानीय भक्तों ने भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई की पिटाई कर दी। तृप्ति देसाई कल कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन करने पहुंची थी। मंदिर में रण दर्शन, गर्भगृह में हो गई हाथापाई। तृप्ति देसाई की हुई पिटाई। कोल्हापुर के ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में जबरन घुसकर अपनी शर्तों पर दर्शन की भूमाता ब्रिगेड की अगुवाई की तृप्ति देसाई की कोशिश अचानक मारपीट और धक्का मुक्की के अभद्र प्रदर्शन में तब्दील हो गई। तृप्ति देसाई के महालक्ष्मी के गर्भगृह की चौखट पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि गर्भगृह में दर्शन के लिए पारंपरिक साड़ी पहनना उन्हें मंजूर नहीं था, तो स्थानीय महिलाओं और पुरुषों को भी दर्शन और आस्था के नाम पर तृप्ति देसाई की स्टंटबाजी मंजूर नहीं हुई। महिलाओं को साड़ी पहनने में हमें कोई ऐतराज नहीं, तो तृप्ति देसाई को क्यों ऐतराज है? और दूसरे उन्हें ड्रेस कोड की प्रॉब्लम है, तो कहीं भी जाकर वो बोलती है ना सब जगह भगवान है, अंबाबाई है, तो कहाँ भी जाकर वो दर्शन ले। वो बात सुनने को तैयार नहीं थी, और जो जिला प्रशासन है और जो सब पुलिस प्रशासन है उन्होंने हम उनका विरोध कर रहे थे। हमारे कुछ जो महिलाएं थी उनको और हमको जबरदस्ती बाजू हटा के उनको प्रवेश देने में प्रशासन ने जो मदद की है वो निषेधार्ह है। भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी में तृप्ति देसाई मंदिर के गर्भगृह की चौखट पर पहुंच गईं, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने तृप्ति देसाई को अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा दिया। पर मंदिर मध्ये एक सुद्धा भाविक उपस्थित नव्हता, सगळे जे होते ते विरोध करणारे मारायला आलेले लोक होते, धक्काबुक्की करत होते आणि हिला जिवंत मारून टाका असंच वारंवार सांगत होते। अर्धा पाऊण तास हे सगळं चालू होतं, तरी सुद्धा पोलिसांनी कुणालाच बाहेर काढलं नाही। निश्चितच पोलिसांची भूमिका पूर्णपणे चुकीची होती। दरअसल गर्भगृह में घुसते वक्त भीड़ में तृप्ति देसाई घिर गई, तो उनके तय ड्रेस कोड में न होने की वजह से आग बबूला स्थानीय महिला पुरुषों के समूह ने धक्का मुक्की शुरू कर उनका रास्ता रोक दिया। इस बीच उनके ऊपर एक समूह ने धावा बोल दिया, जिसमें तृप्ति देसाई की पिटाई की तस्वीरें साफ तो नहीं दिखी, लेकिन काले कपड़े के शख्स को हाथापाई करते हुए कैमरों ने कैद कर लिया। बताया ये भी गया कि भीड़ के बीच में जब 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ तृप्ति देसाई मंदिर के गर्भगृह में घुसने की जद्दोजहद कर रही थी, अचानक उनके ऊपर मुक्के भी बरसे और अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम के साथ किसी ने चेहरा जला देने वाला मिर्च पाउडर तक छिड़क दिया। पुलिस ने भीड़ के बीच से किसी तरह से तृप्ति देसाई को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया, लेकिन हंगामे, धक्का मुक्की और हाथापाई की वजह से तृप्ति की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें कोल्हापुर के निजी अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। दीपक सूर्यवंशी, कोल्हापुर, आज तक। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था, दो दिन पहले ही उन्हें नोएडा से। द शो इज परफेक्टली फाइन, इट्स हेल्दी, इट्स नॉर्मल एंड इट्स कूल लाइक ऑलवेज। लिटिल बेबी कॉल्ड द आईफोन एसई हैज अराइव्ड इन इंडिया एंड वी गॉट अ हैंड्स ऑन इट। वी हैव टोल्ड यू अ लॉट अबाउट द फोन, रीजंस टू बाय इट एंड